तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे घर के पास है ये आम के पेड़, और इन्हें देखकर मेरा इनको खाने का मन हो गया, आपका भी हो रहा होगा, तो मैंने इन्हें तुड़वा लिया। और अब इसे फ्रेश ताजे ताजे कच्चे आम से हम बनाएंगे चटपटी सब्जी। तो फ्रेंड्स, ताजे आम की चटनी बनाने का मजा ही कुछ और है, और गर्मियों में जब भी आपको कुछ समझ ना आ रहा हो क्या सब्जी बनानी है, तो आप ये सब्जी 5 मिनट में ही झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ कितने सारे आम लिए हैं, इसमें से सब्जी बनाने के लिए मैं 1/2 किलो जितना आम लूँगी, 5 से 6 पीस। और ये सब्जी बहुत ही चटपटी बनती है, और इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 1 वीक तक इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका खाने का मन हो खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आम को, कच्चे आम को, कैरी को वॉश कर लिया है, और इसके बाद हम इसे छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पे स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इसकी गुठली को निकाल लिया है। आप इसे किसी भी शेप साइज में कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो फ्री होता है, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अब इसकी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक फ्राई पैन, और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसके बाद मैंने डाला है 1/4 टेबल स्पून जीरा, सौंफ, कलौंजी, 8-10 काली मिर्च, और 1/4 टेबल स्पून दाना मेथी और राई, आप सरसों भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने डाला है इसमें थोड़ा सा हींग, और 2-3 लौंग और 2 इलायची फ्लेवर के लिए, और इन सभी को हम क्रैकल होने तक फ्राई करेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कच्चे आम जो हमने काट के पीसेस करके रखे हुए थे, और अब इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे, और इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, आप अपनी सब्जी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। और अब इसे 2-3 मिनट इसी तरह से चलाएंगे जिससे मसाले मिक्स हो जाएं और अच्छे से भुन जाएं। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, तो यहाँ मैंने इसमें 1 कटोरी जितना पानी इसमें ऐड किया है। पानी डालने से ये अच्छे से गल जाएगा, और इसे आप ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो 4-5 मिनट में ही ये अच्छे से गल जाएगा और पानी भी हमारा सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है, और ये हमारा जो कच्चा आम है, कैरी है, ये भी अच्छे से 60-80% तक गल गई है। तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे नहीं गलाना है। तो अब इसे चटपटा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर चीनी। तो आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, या मिश्री भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है। तो हमारे पास जितना आम था उतना ही हम चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पे 300 से 400 ग्राम तक आम था, कच्चा आम था, तो यहाँ मैंने 300 ग्राम इसमें चीनी ऐड की है। और अब चीनी मेल्ट होगा और पानी छोड़ेगा, तो अब हमें इसे उसी में ही पकाना है। इसे 5 से 7 मिनट लगेंगे मेल्ट होकर अच्छे से पकने में। तो यहाँ पर आप चाहते हैं इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ करना, तो इसमें थोड़ा सा पानी 1/2 कटोरी जितना और ऐड कर सकते हैं, जिससे इसमें अच्छे से एक उबाला आ जाएगा। तो देखिए 1 से 2 उबाले आ जाएँ 5 से 7 मिनट में, तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, क्योंकि जब ये सब्जी थोड़ी सी ठंडी होगी, हम इसे गैस से उतारेंगे, तब भी ये हमारी गाढ़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम इसमें पानी का थोड़ा सा यूज़ और करेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है, सिर्फ 5 से 7 मिनट ही इसे लगे बनकर तैयार होने में, और ये सब्जी इतनी खट्टी मीठी चटपटी बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 वीक के लिए, और इंस्टेंट भी खा सकते हैं। ये गर्मियों की सबसे बेस्ट और इजी सब्जी है, रेसिपी है, और आप इसे रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के भी साथ खाकर इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो इसे चटनी, जैम की तरह ब्रेड पर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और खट्टी मीठी बनकर तैयार होती है, और इसे आम भाषा में आम की लौंजी भी बोला जाता है, और आम की सब्जी तो ये है ही। और कच्चे आम की, कैरी की और भी रेसिपीज आपसे मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं,
आम का पन्ना, आम का कच्चे आम का जैम, आम का चटनी, ये सब मैंने अपने चैनल पे पहले से ही शेयर कर रखी हैं। आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।